गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू EVS ऑनलाइन क्लास। आज हम लेसन 4 का जो हमारा चैप्टर था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, टुडेज टॉपिक इज अदर यूजेस ऑफ लीव्स। और लीव्स के अब और क्या क्या यूज़ होते हैं? हीना, लीव्स आर यूज टू कलर द हेयर। हीना यानी आपकी जो मेहंदी होती है, मेहंदी की पत्तियों का यूज़ बालों को कलर करने के लिए किया जाता है। गर्ल्स एंड लेडीज यूज पेस्ट ऑफ हीना लीव्स टू मेक ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑन दियर हैंड्स एंड फीट। जो लड़कियां होती हैं और लेडीज़ होती हैं वो क्या करती है, हीना की जो पत्तियां होती है ना मेहंदी, उसका पेस्ट बना के उससे सुंदर सुंदर अपने हाथों में मेहंदी के कून से मेहंदी बनवाती हैं। बनाना लीव्स आर यूज टू सर्व फूड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में क्या होता है, बनाना की केले की जो पत्तियाँ होती है वो एज अ प्लेट यूज़ की जाती है, उसके ऊपर खाना सर्व किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेशन ड्यूरिंग इंडियन वेडिंग्स। और हमारे यहाँ देखा होगा आपने, ये शादी में भी केले की पत्तियों का यूज़ होता है, या घर में कोई पूजा होती है तब भी हम केले की पत्तियों का यूज़ करते हैं। बिग ड्राइड लीव्स ऑफ साल, पाम, पलाश एंड जैक फ्रूट आर यूज टू मेक प्लेट्स एंड बाउल्स फॉर कम्युनिटी ईटिंग इन लंगर्स एंड भंडाराज। जो बड़ी बड़ी सूखी पत्तियाँ होती हैं ना साल के वृक्ष की, पाम की, पलाश की, जैक फ्रूट की, उनकी पत्तियों से प्लेट्स बनाई जाती है, और जहाँ बड़े बड़े फंक्शंस में खाना होता है वहाँ पर उस प्लेट्स में खाना खाया जाता है। लार्ज ड्राइड लीव्स ऑफ पाम लाइक कोकोनट एंड डेट। बड़ी सूखी पत्तियां जैसे कि आपकी खजूर की हो गई या नारियल की हो गई आर यूज टू बिल्ड रूफ्स ऑफ हट्स इन विलेज। बल्कि इन सूखी पत्तियों का यूज़ फिर गांव में आपने देखा होगा ना झोपड़ियां बनाने में, झोपड़ियों की छत बनाने में किया जाता है। वी डेकोरेट डोर्स ऑफ आवर हाउस विथ बंधनवार और तोरण मेड ऑफ लीव्स ऑफ मैंगो एंड अशोका ट्री। आपने देखा होगा घर में जब कोई फंक्शन होता है या दिवाली आती है, कोई भी त्यौहार या पूजा पाठ होता है, तो हम क्या करते हैं, आम के पत्तों की तोरण लगाते हैं या अशोक के पेड़ की। ठीक है, तो पत्तों का यूज़ हम घर को डेकोरेट करने में भी कर रहे हैं। लीफ आर्ट इज़ पॉपुलर फॉर्म ऑफ आर्टवर्क। आर्टवर्क में जो लीफ आर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लीफ मोटिव्स आर डिज़ाइन ऑन क्लॉथ्स एंड लीफ पैटर्न ऑन पॉट्स, फर्नीचर एंड वॉल। पत्तियों का जो डिज़ाइन है वो कपड़ों पे भी होता है, बहुत सारे फर्नीचर्स पे, फ्लावर पॉट्स पे, दीवारों पे भी किया जाने लगा है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट शेड दियर लीव्स। जो प्लांट होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आपने देखा होगा पतझड़ का मौसम आता है, सारे पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और फिर वापस उन पे नई पत्तियां आती हैं। लीव्स चेंज दियर कलर एंड फॉल टू द ग्राउंड। पत्तियां क्या करती हैं, उनका जो कलर होता है ना, जैसे वो ग्रीन कलर की होती है तो अपना कलर चेंज कर लेती है, लाइक वो येल्लो हो जाती है और वो फिर नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एवरी ईयर। ये एक नेचुरल यानी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर साल होती है। बट वाई डज दिस हैपन, लेकिन ऐसा क्यों होता है? Leaves are bright green during spring and summer when there is plenty of sunlight. As the climate changes, the sunlight becomes dim and the green pigment gets reduced. आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में या स्प्रिंग के मौसम में जो हरा कलर होता है पत्तियों का बहुत ज़्यादा चमकदार रहता है, क्योंकि उस समय उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता है। As the climate changes, जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है, सनलाइट जो है वो धीरे आती है, ज़्यादा सनलाइट नहीं मिल रही है तो उनको ग्रीन पिगमेंट जो होता है पत्तियों का वो धीरे धीरे कम होने लगता है। लीव्स टर्न येलो एंड बिकम रिंकल्ड। जो पत्ती होती है वो हर येलो कलर यानी पीले कलर में चेंज हो जाती है और उसमें रिंकल्स यानी अलग तरीके से सूखने लगती है। व्हेन लीव्स आर अनेबल टू प्रिपेयर फूड। जब पत्ती क्या करती है, वो खाना नहीं बना सकती। आपको पता है ना पेड़ पौधों के लिए खाना कौन बनाता है, पत्तियाँ। जब वो खाना नहीं बना सकती, दे फॉल टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पे गिर जाती हैं। दे गेट मिक्स्ड विद सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल। वो क्या करती हैं, मिट्टी में मिलके जब मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है ना उसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज कर देती है, यानी और ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। सो डेड एंड रोटन लीव्स आर नेचुरल मैन्योर। इसलिए ये जो पत्तियां हैं जो गिर जाती हैं या जो किसी काम की नहीं होती हैं, वो क्या करती हैं, मिट्टी के साथ मिलके उसको और ज़्यादा अधिक उपजाऊ बना देती है, जिससे कि पेड़ पौधे और अच्छे हो जाते हैं। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। आप देखिए यहाँ पे आपको लीव्स दे रखी हैं, पहले ग्रीन होती है, फिर आपने देखा होगा प्लांट पे कई बार मोस्टली वो येल्लो हो जाती है, डार्क येल्लो होके या हाफ ड्राई होके सूख जाती है।
ड्राई देन रिंकल्ड। और जब वो इस तरह से पूरी सूख जाती है तो वो मिट्टी में मिलके और भी ज़्यादा मिट्टी को उपजाऊ कर देती है। ठीक है, तो अब हम राउंड अप पढ़ लेते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, दे डिफर इन शेप, साइज, कलर एंड स्मेल। अभी हमने पढ़ा कि हर एक प्लांट की अलग अलग साइज की, अलग अलग शेप की, अलग अलग कलर की पत्तियां होती हैं जिनकी अलग अलग स्मेल होती है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लिए जो खाना बनाती है वो कौन बनाती है? पत्तियां। ग्रीन लीव्स मेक फूड यूजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। ग्रीन लीव्स खाना बनाने के लिए पानी का, सूर्य के प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती हैं। लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एज वेल एज अदर लिविंग बींग्स। जैसे कि जो पत्तियां होती हैं ना, वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एनिमल ईट ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। जानवर जो है वो घास खाते हैं, हरी पत्तियां खाते हैं। वी ऑल्सो ईट लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स। हम भी बहुत सारी पत्तियां खाते हैं, लाइक स्पिनेच हो गया, पालक, फेन्यूग्रीक यानी मेथी। ठीक है, लीव्स आर यूज इन रूफ्स ऑफ हट्स टू डेकोरेट हाउसेज एंड मेकिंग प्लेट्स एंड बाउल्स। पत्तियों का यूज़ घरों की झोपड़ियों की छत बनाने के लिए, घर को डेकोरेट करने के लिए, यहाँ तक कि प्लेट्स और बाउल्स बनाने में भी किया जाता है। डेड एंड रोटन लीव्स चेंज इनटू यूजफुल मैन्योर। जो सूखी पत्तियाँ होती है, जो मृत पत्तियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, जो नेचुरल मैन्योर होता है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, लाइक सॉइल के साथ कन्वर्ट होकर उसको और ज़्यादा अधिक अच्छा बना देती है, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ, फर्टाइल बना देती है। इसी के साथ हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको पता है ना अब आपको क्या करना है, इस लेसन को अब आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, और इसके आगे की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।